अब हमें ये प्रूफ करके बताना है कि हम ऐसी रट्टा वेरिएशन करते हैं या हम उन्हें हल करके बता सकते हैं। देखो ये कैसी आकृति है या ये कैसी है, लगातार है या वैसे के चारों मुझे सवाल लगती है ना, लगातार है तो मतलब हमें पता है चारों मुझे सवाल लगती है। देखो हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। अब इसमें से हमें हमें क्या करना है, ये ब्लॉक ले, ये भी वर्गाकार है, ये हम ये भी मान लेते हैं, ये भी ये भी ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, छोटा ब्लॉक और ले लेते हैं, इसकी भुजा इस वक्त पे पत्ते की भुजा ए, इस छोटे वाले ब्लॉक में इस वक्त की भुजा बी, तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल किस तरह से होगा, यहां इसको कर लिया। अब हम इस ब्लॉक को लेंगे, ये कैसी आकृति में आया, आया रेक्टेंगल में है ना। अब देखो हम इसको कैसे सेट करेंगे, ऐसे आके इस भुजा को हम देखो इसके पैरेलल में आ जाते हैं, ये भी माना है ना छोटे ब्लॉक के बराबर है, रेक्टेंगल की ये वाली भुजा B और ये वाली भुजा A है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये ब्लॉक ये B है ना, तो इसका क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही हम इस डायग्राम का निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ये ऐसे सेट करेंगे, ये भुजा B, ये भी भुजा B, ये भुजा A है, तो इसके साथ में ये B है, तो इसका ये भी रेक्टेंगल है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसका ए भी, इसका ए भी, तो टू ए भी हो गए, जोड़ेंगे तो टू ए भी हो गया। तो हमारा हमने निकाल लिया ये ब्लॉक किस पे है, ये जमा की का ए भुजा ए भुजा, तो ये जमा की का।